भाई उस स्वराज 843 XM 4x4 इस ट्रैक्टर का माइलेज निकाल रहे कल्टीवेटर के अंदर, क्योंकि कई सारे भाइयों के कमेंट थे और कई सारे भाइयों का ऐसा भी कहना था कि भाई साहब एक बार कल्टीवेटर में निकालो, क्योंकि हमने प्लाऊ डिस्क प्लाऊ वगैरह में निकाला तो इस हिसाब से हमें पता चला है कि एवरेज इसका बिल्कुल परफेक्ट एवरेज है। तो इसी हिसाब से कल्टीवेटर में क्या एवरेज देता है वो देखना है। तो यहाँ पर हम एवरेज निकाल रहे हैं, जहाँ पर आप देख सकते हैं जुताई वगैरह नहीं की हुई, यहाँ पर हमने प्लाऊ चलाया था, प्लाऊ का एवरेज निकाला था। तो यहाँ पर अभी देखते हैं कि क्या एवरेज देता है कल्टीवेटर के अंदर। 13 के टायर के साथ में है ये ट्रैक्टर और देख लो टंकी कर दी हमने फुल हिला करके। सेम इसी तरीके से हम करेंगे, जैसे अभी देख सकते हैं आप एवरेज इसका जो एयर है वो हमने निकाल दिया है। तो 6 मिनट चलाएंगे, 6 मिनट चला के फिर हम 1 घंटे का भी चला के चेक कर लेंगे क्या माइलेज देता है, ठीक है। 1 घंटे का वीडियो अपलोड नहीं कर सकते, लंबा पड़ता है इसीलिए। तो 6 मिनट के हिसाब से अगर 6 मिनट चलाओ या फिर आप 15 मिनट चलाओ, 1 घंटे चलाओ, सेम एवरेज बैठता है। हमने कई सारे ट्रैक्टरों का दो दो तीन तीन बार चेक किया है। तो यहाँ पर आप देख लो टंकी कर दी है फुल और पहले हाई के फर्स्ट गियर के अंदर चलेगा, हाई फर्स्ट में, फिर चलाते हैं 4x4 मोड में। अभी टू व्हील ड्राइव में चलाते हैं। तो भाई साहब ढक्कन बंद करके करो स्टार्ट। स्वराज 843 XM 4x4। कई सारे भाइयों ने कहा कि भाई कल्टीवेटर में एक बार चेक कर लो क्या है इसका, ताकि अभी हम टू व्हील में करते हैं फिर फोर व्हील में। अभी टू व्हील रखना, टू व्हील ड्राइव रखना, ठीक है। टाइम आप भी नोटिस करते रहे कि क्या टाइम है। करो स्टार्ट करो। आरपीएम सही रखना, आधा वाले एक 50 पे गिनते हैं। हाँ ठीक है, दो मिनट पे स्टार्ट हुआ है समझो। स्वराज 843 टू मॉडर्न टू व्हील ड्राइव। हाँ ठीक है, अभी टू व्हील ड्राइव में चल रहा है, फिर फोर में निकालते हैं कितना डिफरेंस है दोनों के बीच में। हमने रेतीली ज़मीन पे भी चेक किया था इसको, तो वहाँ वाला भी आप वीडियो देख लेना। रेतीली ज़मीन और जो नॉर्मली ज़मीन है थोड़ी सी मिट्टी वाली, उसमें कितना डिफरेंस रहता है वो देख लेना आप, क्योंकि ज़मीन के हिसाब से भी कई बार डिफरेंस रहता है ट्रैक्टरों में। एक बार पूरे लोड पे भी चेक कर लेंगे, पूरा लोड झेल के फिर कितना लेता है इसका, डीजल कितना लेता है वो भी देख लेंगे पूरे लोड पे। स्वराज 843 XM माइलेज और काम में बहुत ही बढ़िया ट्रैक्टर लगा है। कई सारे भाइयों के पास में ये गया है डेमो के तौर पे, तो उनका भी कहना है कि जैसे अगर मैंने भी चेक किया तो मैंने भी यकीन नहीं किया कि भाई इतना डीजल, फिर दो चार बार चेक किया, 1 घंटे चला के 15 मिनट चला गया। तो इस हिसाब से माइलेज इसका सही है, परफेक्ट माइलेज के साथ में ये ट्रैक्टर चलता है। और जो किसान भाई जैसे टू व्हील ड्राइव लेना चाहते हैं लेकिन ऐसा लगता है कि भाई फोर व्हील ले लें, तो उनके लिए ये बेहतर है, क्योंकि इतना लोड भी नहीं है डीजल का ज़्यादा और काम भी बहुत बढ़िया करता है। अभी टू व्हील ड्राइव में चल रहा है, फिर फोर टू व्हील और फोर व्हील में कितना डिफरेंस रहता है वो आप देखो बाद में। अभी टू व्हील ड्राइव है, फोर व्हील का भी निकालते हैं अलग से। हाई फर्स्ट गियर में अभी इस ट्रैक्टर की चाल लो गियर के अंदर ज्यादा है दूसरे ट्रैक्टरों के मुकाबले। लो में जैसे चलाते हैं प्लाऊ रोटावेटर तो उसमें इसकी चाल ज़्यादा है, हाई गियर में थोड़ी सी
सेम है, लेकिन लो गियर में इसकी ज़्यादा है, वो भी आप देख लेना, वो भी हमने चेक किया हुआ है। स्वराज 843 XM 4x4 ट्रैक्टर, डीजल के मामले में बहुत बेहतरीन ट्रैक्टर निकला। अभी देखते हैं कल्टीवेटर में क्या एवरेज है इसका, प्लाउ वगैरह में तो बहुत बढ़िया लगा, एवरेज कितना आया वो भी आप देख लेना। दो मिनट हुए थे और 6 मिनट चलाना, यानी कि 8 मिनट पे स्टॉप करके डीजल डालेंगे। हाँ, टायर पे इतनी ब्रेक भाई, बिना वजह अगर ज़रूरत ना हो तो बिना वजह के अपन टायर पे ब्रेक मारते हैं तो उसमें लोड पड़ता है फालतू का, जिसका कोई मतलब नहीं होता है। ये एक शौक होता है ड्राइवरों का, जो भी ड्राइवर भाई होता है उसका शौक होता है ऐसा घुमाने का, जबकि कोई ज़रूरत ही नहीं थी। थोड़ा सा लंबे टर्न में आप घुमाओ, बस टाइम खत्म होने वाला है। सो फिर मैं आपको पूरे लोड में दबा के 4x4 मोड में पूरा दबा के फिर माइलेज निकाल के दिखाता हूँ, ठीक है? रोक दो, बस 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 बस, मां तुरंत से यहीं पे, बस 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 बस, थोड़ा पीछे जान दे, सही है सही है सही है सही सही है, बंद कर दो बंद कर दो बंद करो, जल्दी बंद कर दो यार, बंद कर दो ट्रैक्टर। जो भी है वो हमें सही दिखाना है, इसीलिए फालतू का, ठीक है खोलो, ये अपना माप, परफेक्ट माप वाली जो कि हमने बनाई है, तो डीजल पे हमें पंप पे जो डीजल मिलता है उसी हिसाब से सही माइलेज निकालने के लिए ये ज़रूरी है, ठीक है? देख लो एक मिनट, इतना लिया है, हिला के डाला है, ठीक है? हिलाने का है, वो कहाँ पे गया? हिला दो, हिला, जैसे हमने डीजल डाला था वैसे ही डाल रहे हैं भाइयों, जो भी है वो सही सही, इसीलिए बाहर मत गिराओ, थोड़ा हिलाओ भी, हमने हिला के पूरा टेस्ट किया था। जान दो, थोड़ा जान दो, नहीं जा रहा है, हाँ बस यही है, बस 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 बस, ये आ गया, देख लो
4 लीटर के आसपास में इसका, ठीक है, 4 लीटर का बैठ रहा है। फर्स्ट था ना, टॉप तो नहीं था, अपने 4x4 तो नहीं था, 2 मोड में, ठीक। तो भाई यहाँ पर आप देखो, आपको क्लियर दिखाता हूँ, 1, 2, 3 और 4, 4 लीटर के आसपास में परफेक्ट एकदम 4 लीटर का बैठ रहा है, ठीक है, कल्टीवेटर में, नोवल वाले में। और नया ट्रैक्टर है, अभी राउस होने के बाद में थोड़ा डिफरेंस रहता है, वो तो हमें भी पता है, लेकिन बिल्कुल नया ट्रैक्टर है, तो इसी हिसाब से 4 लीटर में इसका बैठा है एवरेज। अभी 4x4 मोड में चलाते हैं ये, ठीक है। कल्टीवेटर के अंदर जैसे हमने दूसरे ट्रैक्टर टू व्हील ड्राइव वाले देखे थे नए ट्रैक्टर, तो उसमें 4 लीटर 200 आसपास में, 4 लीटर के आसपास में रहता, तो इसका भी सही है, इस ट्रैक्टर के हिसाब से एवरेज बिल्कुल सही निकला है 4 लीटर का, जो कि नया ट्रैक्टर है। बाद में थोड़ा सा डिफरेंस रहेगा, लेकिन जैसे हम दूसरे ट्रैक्टर का, नए ट्रैक्टर का निकालते, तो इसी हिसाब से इसका माइलेज बैठा है। अभी 4 मोड में देखते हैं कि क्या डिफरेंस रहता है, 4 में कम लेता है या ज़्यादा लेता है, वो देखते हैं, ठीक है। तो जो भी है वो यहाँ पर आपने आपने देखा कि सही सही था। बाकी वीडियो पसंद आया तो लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद, हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। जय हिंद, जय भारत।